मनगवा थाना प्रभारी की निष्क्रियता के चलते लगातार आपराधिक गतिविधियों का शेयर सेंसेक्स उछाल में। थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था हुई फेल, जगह जगह बिक रही है नशीली सिरप व गांजा अफीम। ठीक है फिर। हाँ ठीक, शाम शाम सब पता रहेगा। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। इस वक्त की मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर आ रही है। मनगवा थाना क्षेत्र में लगातार कानून व्यवस्था फेल होती जा रही है। इन दिनों मनगवा थाना क्षेत्र में काफी समय बाद देखने को मिल रहा है कि यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। मनगवा थाना क्षेत्र के मुख्य कस्बे सहित गांव-गांव में शराब की अवैध पैकारी, अघोषित रूप से शराब की दुकान के साथ नशीले कप सिरप गांजा की बिक्री खुलेआम धड़ल्ले से जारी है और इसे रोक पाने में मनगवा पुलिस ने सफलता तो हासिल नहीं की, लेकिन इन अवैध कारोबारों को बढ़ावा देने के लिए मनगवा पुलिस सफल दिख रही है, जिसको लेकर गंभीर आरोप सामने आया है। बताया जाता है कि यहाँ की पुलिस के द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलग्नता व निष्क्रियता के चलते लगातार आपराधिक गतिविधियों का शेयर सेंसेक्स तेज गति से उछल रहा है। वहीं मनगवा थाना क्षेत्र में जब से थाना प्रभारी गोकुलानंद पांडे की पदस्थापना हुई, तब से यहाँ की कानून व्यवस्था और भी बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ की बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं नशीली कारोबार के बढ़ते क्रम के साथ आपराधिक गतिविधियों की प्रगति को लेकर मनगवा नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रमोद उर्मलिया बबलू ने चिंता जताते हुए विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि थाना प्रभारी गोकुलानंद पांडे के संरक्षण में अवैध कारोबार फल फूल रहे हैं, नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। वहीं इस तरह की गड़बड़ी पहले कभी देखने को नहीं मिली, जिससे कि थाना प्रभारी की संलग्नता व निष्क्रियता सामने आई है। यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के रीवा जिले का मनगवा थाना आपराधिक गतिविधियों के संरक्षण में सबसे आगे दिखेगा। लगातार पुलिस से शिकायतें मिल रही हैं कि यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं, नशीले कप सिरप बिक रहे हैं, इनके लिए आप विरोध करें, क्या कहना है आपका? जब से ये थाना प्रभारी गोकुलानंद पांडे जी आए हुए हैं, तब से यहाँ अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप हमारे मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा नशे के विरोध में इतना बॉर्डर में योगी जी से तक बात कर चुके हैं, लेकिन हमारे जो थाना प्रभारी है इनके द्वारा मनगवा बस्ती में सट्टा, जुआ एवं कोरेक्स और मेडिसिन गोली जो लगातार बिक्री हो रही है, लेकिन इनके द्वारा मेरे द्वारा शिकायत भी की गई, लेकिन कोई अंकुश नहीं लगा जा रहा। और अगर कोई भाई भाई लड़ता है, अपन समझौता भी कर लेता है, तो उनके ऊपर 151 करके सीधे जेल भेज देते हैं। अभी आपने देखा कि मनगवा के व्यापारी पूरे रोड में 116 चलाकर कम से कम 200 व्यापारियों के ऊपर 116 किया, जिसका हमने माननीय जी को बताया। माननीय जी ने विधानसभा अध्यक्ष भी लगाया, विधानसभा का क्वेश्चन लगाया है, इनको तत्काल पीएसक्यू में अटैच करना चाहिए। ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देखा जा रहा है खुलेआम गांजा की बिक्री, नशीली कफ सिरप, और यहाँ के अपराधी दूसरे थाने में पकड़े जा रहे हैं। अभी आपने देखा देवलोन में यहाँ का जो है आरोपी पकड़ा गया, और कई भी आरोपी हनमना में पकड़े गए, चाक घाट। कारण क्या है कि यहाँ पर नहीं पकड़े जा रहे हैं और गांजा और इसी अवैध शराब पैकारी और ये नशीली? मैं माननीय एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको फोन में बताता हूँ, तब वो वहाँ से रिवर्स फोर्स भेज के पकड़वाते हैं। लेकिन हमारे मनगवा के टीआई साहब, इनको सब मालूम है, लेकिन सब महीना बधा हुआ है, एक भी कोरेक्सी आज तक नहीं पकड़ा गया, ना एक भी गांजा वाला पकड़ गया। सट्टा जो आप लोग देख रहे, खुलेआम चल रहा है। आपका कहना है कि यदि इस पर सुधार नहीं किया, थाना प्रभारी नहीं हटाए जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग घेराव करेंगे और ऊपर तक शिकायत करेंगे, सीएम तक जाएंगे, जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे।
नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रमोद उर्मलिया के द्वारा इस संबंध में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिरीश गौतम के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही रीवा एसपी विवेक सिंह से भी हस्तक्षेप की मांग की गई है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।